केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान शेखावत ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का बखान किया। गहलोत साहब की पेयजल योजना फेल है, ये कहा शेखावत ने। सरकारी स्कूल के हाल बेहाल हैं, स्कूलों में ना अध्यापक है, ना कंप्यूटर, ना कोई अच्छी फैसिलिटी, और क्या कुछ बोले आइए सुनाते हैं। व्यापार व्यवसाय हो, राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य हो, राजस्थान की खनिज संपदाओं के दोहन को लेकर के राजस्थान को आगे बढ़ाने का हो, राजस्थान की बौद्धिक संपदा को विकसित करने का हो, राजस्थान में रोजगार के नए अवसर सृजित करने का हो, राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का हो, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने का हो, राजस्थान में नए रोजगार के अवसर सृजित करने का हो, राजस्थान के चिकित्सा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने का ऐसा अवसर, इन सारे विषयों को एक साथ एड्रेस करते हुए काम करने का जो अवसर मिला था, उसमें पूर्ण रूप से विफल रहने के बाद अब राजस्थान की सरकार ने इन सारे सेक्टर से सुझाव आमंत्रित करने का प्रयास किया। जो राजस्थान आज पहले 10 पायदान पर भी कहीं नहीं है, उस राजस्थान को टॉप स्टेट बताने का काम उन्होंने किया। मैं तो किसी भी, आप सब लोग जो है जानते हैं, आप सब लोग इंटरनेट पर एक्सेस करके देखिए, किसी भी एक पैरामीटर पर राजस्थान पहले नंबर पर नहीं है। और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने झूठ का पुलंदा पहली पंक्ति के साथ में घोषित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने झूठे आंकड़े देकर के और 2030 का एक लक्ष्य